दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, BTS आज पूरे प्लेनेट के बिगेस्ट और इन्फ्लुएंसिव बैंड बन चुके हैं। आज हर कोई उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट भी करता है। पर दोस्तों, पास्ट में काफी सारे लोगों ने BTS की डिसरिस्पेक्ट करी है, जिसकी उन सभी लोगों को आज भी रिग्रेट होती है। और उन्हीं में से एक पर्सन है साउथ कोरिया के बिगेस्ट होस्ट और सिंगर पार्क मियोंगसू। दोस्तों, इस पर्सन ने पास्ट में BTS की रिक्वेस्ट को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो सभी उस वक्त पॉपुलर नहीं थे। और इस पर्सन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में BTS पॉपुलर होने वाले हैं। और दोस्तों, उस वक्त BTS पार्क मियोंगसू के एक बिगेस्ट फैन थे। और आज ऐसा दिन है कि पार्क मियोंगसू खुद को एक BTS आर्मी कहते हैं। और एक बार उन्होंने ये बात शेयर करी थी कि वो BTS के साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहते हैं। पर दोस्तों, वो हमेशा से BTS के फैन नहीं थे। और सेल्फ टाइटल रेडियो शो KBS के एक एपिसोड के दौरान पार्क मियोंगसू ने उस वक्त के बारे में बताया था जब उन्होंने BTS को रिजेक्ट करा था। दोस्तों, 2015 में पार्क मियोंगसू की एक शो इन्फिनिट चैलेंज शुरू हुई थी, जिसके की जे होप एक बिगेस्ट फैन थे। और उसी दौरान अचानक सारे BTS मेंबर पार्क मियोंगसू से एक एयरपोर्ट के बाथरूम में मिले थे। और बिना किसी हिचकिचाहट के BTS मेंबर्स ने उनके साथ पिक्चर लेने की उन्हें रिक्वेस्ट की। पर उनके साथ पिक्चर लेने के वजह पार्क मियोंगसू ने BTS को गुस्से में वहां से चले जाने को कहा था। और इस बात का पार्क मियोंगसू आज भी रिग्रेट करते हैं। पर दोस्तों, 2018 में जब BTS अपने लव योर सेल्फ कॉन्सर्ट कर रहे थे, उसी दौरान गिम्पो एयरपोर्ट के बाथरूम में BTS पार्क मियोंगसू से फिर से मिले। और उन्हें देखकर BTS मेंबर ने कहा कि वाओ, ये तो एक सेलिब्रिटी है, और फिर से उनसे पिक्चर लेने की बात कही। और इस बार उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर BTS मेंबर्स के साथ पिक्चर ली। पर उसके बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रही थी क्योंकि अपने पास्ट के बिहेवियर के वजह से वो BTS से उनकी नंबर नहीं मांग पाए। इसके साथ ही दोस्तों, अपने शो के दौरान वो हमेशा ही रिग्रेट करते हैं अपने पास्ट के बिहेवियर के वजह से। पर BTS के एक्सट्रीम सक्सेस के वजह से आज वो एक BTS आर्मी बन चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी का एक ड्रीम है कि वो BTS मेंबर से शादी करे। तो दोस्तों, BTS से मिसबिहेव करने वाले लोग आज बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करते हैं। पर हमारे BTS मेंबर इतने ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है कि जिन्होंने उनके साथ बुरा बिहेव भी करा है, उनके साथ भी वो बहुत ही ज्यादा काइंडली और पोलाइटली बिहेव करते हैं। और यही बात उन्हें सबसे अलग और अनोखी बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।